बनाना ढूंढने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो बनाना आता है हम उससे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी और कितने यम्मी बनाना बने हुए हैं, बनाना चिप्स तो आप लोग देख सकते हैं कितनी। और इनमें जो मसाला हमने बनाया हुआ है वो भी हम इन्हें मसाला बनाना चिप्स बनाएंगे, तो आप देखिएगा हमारी ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनी है। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना के चिप्स, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल केला ले रखा है, आज हम नॉर्मल केला से बनाएंगे। और ये है हमारा पानी, तो देखिए ये देखिए गाइस 4 से 5 स्पून पानी, उसमें हाफ टेबल स्पून हमने नमक ऐड किया है। ये देखिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको हम मिला लेंगे जिससे मार्केट वाले चिप्स नहीं मिलते येलो येलो, उसी तरह से हो जाएगा। तो इसको पानी को नमक घुलने तक हम इसमें मिलाएंगे। और देखिए इसको रख देंगे साइड में, और अपना हम फ्लेम ऑन करेंगे और धीमे धीमे आंच पर ऑयल को गर्म होने देंगे। एक मिनट अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए गाइस धीमे धीमे फ्लेम पर हम इसे गर्म करने देंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रहने देंगे। और गाइस आप लोग देख रहे होंगे ये इसमें कुछ है, तो इसमें हमने जो नमकीन बनाई थी आप लोगों को पोहा की, तो वही वाला ऑयल हमने लिया हुआ है। तो इसको हम गर्म होने देंगे और चलते बनाना छील लेते हैं अपने। ये देखिए गाइस ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट हम छील देंगे, ठीक है गाइस। ये हमने नॉर्मल बनाना लिया है, चिप्स वाला बनाना दूसरा होता है, उसको केरला बनाना कहते हैं। हमने ये नॉर्मल से बनाया है अभी, फिर हम कभी दिखाएंगे आपको उस बनाने से बनाना। तो इसको ऐसे हम सारा छील लेंगे, ठीक इस तरह से। ये देखिए गाइस इस तरह से हमने छील लिया, तो इसी तरह से दूसरा भी हम छील लेंगे। ये देखिए गाइस हमारे छील चुके बनाने हैं, और इस तरह का एक ग्रेटर ले लेंगे, चिप्स कटर बोलते हैं सबके घर में नॉर्मली होता है, तो इसी से हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस नॉर्मल हमारा ऑयल हो चुका है, हमको पता चल रहा है हीट आ रही है, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए इस तरह से एक बनाना का स्लाइस ले थोड़ा सा इसमें डालकर देखें। ये देखिए फ्राई हो रहा है, तो इसी के ऊपर हम रखेंगे अपना पकड़ते हुए आराम से, इस तरह से थोड़े से लंबे शेप में बनाना कट करेंगे इसमें, ठीक है। तो जितना कट करना है उसी हिसाब से डाल देंगे, सारा बनाना इसी में हम कट कर देंगे। ये देखिए गाइस इस तरह से हिला देंगे थोड़ा सा, ठीक है ये इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा वही नमक और चीनी का जो घोल बनाया था वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 स्पून बस, और फिर हम रोटेट कर देंगे, इससे हमारे बनाना में कलर भी अच्छा आएगा और क्रिस्पी भी बनेगी। अब देखिए जब तक ये आवाज सुन रहे होंगे आप, जब तक ये बंद नहीं होगी आवाज तब तक आप इसको पकाइए। ये देख सकते हैं गाइस इसमें बिल्कुल आवाज आनी बंद हो गई है, हल्की फुल्की ऐसे ही है, ज्यादा नहीं है। और ये टच करने से भी पता चल जाता है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं तोड़कर, ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब क्या करना है हमको, ये निकाल लेना है, ठीक है ये देखिए इस तरह से निकाल कर हम एक प्लेट में रखते हैं। ये देखते हैं खनक से ही कितना अच्छा लग, देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो इसी तरह से सारे निकालते हैं गाइस, देखते रहिएगा। एक तरीका और हम बताएंगे बहुत अच्छे लंबे लंबे चिप्स बनाने का। ये देखिए गाइस हमने सब्जी कटर ले लिया है, तो ये बनाने के हमने 2 पीस कर दिए हैं, ये कुछ लंबा कर दिया है, तो उसको हम लंबी लंबी स्टिक की तरह चिप्स निकालेंगे, ठीक है इस तरह से सारे निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ये कैसे निकलती हैं। ये देख सकते हैं गाइस कितनी लंबी लंबी स्लाइस निकली है, तो चलिए इनको भी वैसे ही फ्राई करते हैं। ये देख सकते हैं गाइस आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इनको भी फ्राई करने के लिए अलग अलग डाल देंगे, और गाइस इसमें भी हम नमक और हल्दी का पानी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस कितनी तेजी से बबल्स आ रहे हैं। गाइस ये पानी इसलिए डाला जाता है, एक तो चिप्स का कलर अच्छा आता है, ठीक है नमक हो जाता है, फ्लेवर चिप्स में नमक भी हो जाता है,
दूसरी बात है कि हमें अपने ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है इससे, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से पका लेंगे। ये देखिए गाइस, इसमें भी आवाज आना बंद हो गई है, तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। और आप एक उठाकर तोड़ कर भी देख सकते हैं, और हाथ से भी टच करने पे पता चलता है कि हाँ हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें भी निकाल देंगे अब, और आगे देखिए कि हम और कैसे मसाला बनाते हैं जो कि बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। ये देखिए गाइस, इसकी आवाज सुनिएगा कितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं डालने पर, आराम से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, देखिए क्या। ये देखिए गाइस, इन चिप्सों में हम अपना मिलाएंगे वही सॉल्ट जो हमने मसाला सॉल्ट बना के रखा हुआ है, तो ये और भी टेस्टी खाने में लगेंगे, ये देख सकते हैं। एक बात और गाइस, इनको आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखिए इनका क्रिस्प आप सुन सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी है, और ये सारे चिप्स नमक मिल चुका है। चलिए इनको सर्व करते हैं। एक बात और गाइस, ये आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो उसमें बस फर्क ये है कि आप व्रत वाला नमक यूज करें बस। ये देखिए गाइस, 5 मिनट में बनकर रेडी है हमारे चिप्स। आप लंबे चाहें तो इस तरह से कट करके बनाएं, और छोटे छोटे इस तरह से बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। कोई जरूरी नहीं है कि अब हम वही बनाना ढूंढे, अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी इन बनाना से भी काम चलेगा, और 5 मिनट में बनकर तैयार है। तो आपको हमारे घर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।